अस्सलामु अलैकुम, आई एम मोहम्मद हसन हाशमी और आज हम जिन टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं वो स्क्रीन के ऊपर लिखे हुए आपको नजर आ रहे हैं। आज हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क की, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कम्युनिकेशन मीडिया किस चीज को कहा जाता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की भी आज के लेक्चर में हम बात करेंगे, रूटर, गेटवे और ब्रिज ये भी आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क क्या हैं और इनकी हमें क्यों जरूरत पेश आती है। याद रखिएगा, लोकल एरिया नेटवर्क डज नॉट यूज टेलीफोन नेटवर्क। सो बेसिकली हमारे पास जो लोकल एरिया नेटवर्क्स होते हैं उनमें टेलीफोन नेटवर्क की हमें जरूरत पेश नहीं आती। आज के लेक्चर में हम लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर इस्तेमाल होने वाले जितने भी मेन कंपोनेंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कम्युनिकेशन मीडिया की। बेसिकली दिस मीडिया इज यूज टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। हम इस मीडिया के जरिए से डेटा को एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास बहुत से मीडियाज हैं जिनके जरिए से हम डेटा को एक कंपोनेंट से या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचा सकते हैं। मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क्स आर कनेक्टेड विद ट्विस्टेड वायर केबल्स, कोएक्सियल केबल्स एंड फाइबर ऑप्टिक्स एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो हमारे पास बहुत से लोकल एरिया नेटवर्क्स ऐसे हैं जो ट्विस्टेड वायर के साथ कनेक्ट होते हैं, जो कोएक्सियल केबल के साथ कनेक्ट होते हैं, जो ऑप्टिकल केबल के साथ कनेक्ट होते हैं। सो दीज केबल्स आर एक्सपेंसिव बट प्रोवाइड फास्टर कम्युनिकेशन। इसके अलावा अगर हम कम्युनिकेशन मीडियाज की बात करें तो कुछ लोकल एरिया नेटवर्क्स के अंदर हम वायरलेस कम्युनिकेशन को भी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें इंफ्रारेड रेस, रेडियो वेव्स हो सकती हैं, जिसके जरिए से हम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह बआसानी कम्युनिकेट करवा सकते हैं। वायरलेस नेटवर्क्स आर इजी टू सेटअप एंड मेंटेन रादर देन द केबल नेटवर्क। अगर हम वायरलेस नेटवर्क्स की बात करें तो उनको इस्तेमाल करना, उनको सेटअप करना, उनको मेंटेन करना, उनको कन्फिगर करना ये आसान है। लेकिन अगर हम केबल नेटवर्क्स की बात करें तो उनको कॉन्फ़िगर करना, उनको सेटअप करना या उनको मेंटेन करना ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, रादर देन द वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। सो वायरलेस कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, दे हैव लो ट्रांसमिशन रेट्स एंड लिमिटेड डिस्टेंस बिटवीन टू कम्युनिकेशन डिवाइसेस। अगर दो डिवाइसेस के दरमियान फासला बहुत ज्यादा है तो वहां पे हम वायरलेस कम्युनिकेशन को इस्तेमाल नहीं करते, वहां हमें केबल नेटवर्क्स की ही बेसिकली जरूरत पेश आती है एज ए कम्युनिकेशन मीडिया। इसके बाद हम बात करते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर NIC कार्ड के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। सो NIC स्टैंड्स फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेटवर्क अडाप्टर। हम इसके दो नाम रखते हैं, या तो हम इसे NIC कार्ड या फिर इसे नेटवर्क अडाप्टर के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स टू अ नेटवर्क। ये बेसिकली करता क्या है, ये एक नेटवर्क के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उनको आपस में कम्युनिकेट करवाने का रिस्पॉन्सिबल बनाता है। सो इट इज अ सर्किट बोर्ड दैट इज इंस्टॉल्ड ऑन द मदरबोर्ड। ये एक सर्किट बोर्ड होता है जो मदरबोर्ड के ऊपर इंस्टॉल किया जाता है, जिसके जरिए से हम किसी भी लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर्स को उस नेटवर्क का हिस्सा बना सकते हैं। हमारे पास बहुत से नेटवर्क अडाप्टर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। हम अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक नेटवर्क अडाप्टर्स को सिंपली अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद हम लोकल एरिया नेटवर्क में इस्तेमाल होने वाली एक और डिवाइस की बात करते हैं विद द नेम ऑफ रूटर। हम इस डिवाइस को रूटर क्यों कहते हैं, सबसे पहले मैं इसके मुतलक आपको बता देता हूं। बेसिकली दिस वन इज अ कम्युनिकेशन डिवाइस दैट कनेक्ट्स मल्टीपल नेटवर्क्स यूजिंग सिमिलर आर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। होता है असल में इस डिवाइस के साथ ये है कि हम मल्टीपल डिवाइसेस को जिनका प्रोटोकॉल एक जैसा होता है, जिनकी नेचर एक जैसी होती है, या जिनका मॉड्यूल एक जैसा होता है, या जिनका मॉड्यूल अलग अलग होता है, उनको आपस में कम्युनिकेट करवा सकते हैं। अगर आपके पास एक मोबाइल फोन है और एक लैपटॉप है, सो दोनों डिवाइसेस का प्रोटोकॉल अलग है, तो आप दोनों डिवाइसेस को भी आपस में कम्युनिकेट करवा सकते हैं, उनके जरिए से मैसेजेस को आप सेंड कर सकते हैं। और अगर आपने दो लैपटॉप्स को जिनका प्रोटोकॉल एक जैसा है, अगर आप उनको भी आपस में कम्युनिकेट करवाते हैं या उनके जरिए से डेटा को कोलैबोरेट करते हैं, तो बआसानी आप इसके जरिए से कर सकते हैं। इट मैनेजेस द बेस्ट रूट बिटवीन टू कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। बेसिकली इसने दो कम्युनिकेशन डिवाइसेस के दरमियान उस रूट का इंतखाब करना होता है विच वन इज द बेटर, जो सबसे बेस्ट होता है, इस पाथ को इसने चूज करना होता है और इसके जरिए से कम्युनिकेशन करवानी होती है। बेसिकली हम
सेवरल नेटवर्क्स के अंदर रूटर को इस्तेमाल करते हैं। सो अगर हमारे पास बहुत से लोकल एरिया नेटवर्क्स अवेलेबल हैं और उनके दरमियान अगर हमने कोऑर्डिनेशन करवानी है या कोलैबोरेशन करवानी है तो वहां पे हमें रूटर की जरूरत पेश आएगी। अ रूटर कैन बी यूज्ड ऑन अ नेटवर्क ऑफ एनी साइज। याद रहे अगर हमारे पास एक नेटवर्क छोटा है जिसमें एक लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर दो कंप्यूटर हैं, एक लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर दो कंप्यूटर हैं, तो उन दोनों के दरमियान अगर हमें कोऑर्डिनेशन करवानी है तो वहां पे भी हम रूटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर 20 कंप्यूटर एक लोकल एरिया नेटवर्क में है, 50 कंप्यूटर एक लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर मौजूद हैं और हमने उन दोनों के दरमियान कोऑर्डिनेशन करवानी है तो वहां पे भी हम रूटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। इट कैन कनेक्ट नेटवर्क्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ एक ही कंट्री का नेटवर्क वो आपस में कम्युनिकेट करवाने का रिस्पॉन्सिबल हो, बल्कि अगर मल्टीपल कंट्रीज के अंदर एक नेटवर्क है तो उस नेटवर्क को भी आपस में कोऑर्डिनेट करवाना ये इसकी बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में शामिल है। दे ट्रांसफर द डेटा in less time with the highest speed. It is also the responsibility of routing devices to provide the communication between the devices in a less time with highest speed. So jitni bhi routing devices hain basically ya router hai wo लेस टाइम के अंदर फास्टेस्ट कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाती हैं। क्यों? उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये डिवाइसेस डेटा को जब सेंड करती हैं उसके लिए बेस्ट शॉर्टेस्ट पाथ को चूज करना ये बुनियादी तौर पर रूटर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको एक डायग्राम स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है, अगर आप वहां पे उसको देखेंगे तो आपको रूटर के मुतालिक पता चल जाएगा कि ये नजर किस तरह की आती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट डिवाइस जो हमारे पास गेटवे के नाम से है, हम उसको पढ़ेंगे। फंक्शनैलिटी के एतबार से अगर हम गेटवे की बात करें तो बेसिकली दिस डिवाइस कनेक्ट्स टू आर मोर नेटवर्क्स विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल। इसमें सिमिलर टाइप ऑफ प्रोटोकॉल्स की बात नहीं होती, मतलब एक जैसे प्रोटोकॉल्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं होते, बल्कि यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के प्रोटोकॉल रखने वाले डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करवाया जाता है। टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क रिक्वायर अ गेटवे टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। अगर हमारे पास दो मुख्तलिफ तरह के नेटवर्क्स हैं, दो मुख्तलिफ तरह के नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स हैं, तो वहां पे हमें गेटवे की जरूरत पेश आएगी जिसके जरिए से हमने डेटा को कोलैबोरेट करवाना है। गेटवे में होता क्या है, बेसिकली दिस डिवाइस रिसीव्स डेटा फ्रॉम वन नेटवर्क एंड कन्वर्ट्स इट इनटू अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल ऑफ अदर नेटवर्क। इस डिवाइस ने डेटा को एक नेटवर्क से रिसीव करना होता है और उसको दूसरे नेटवर्क के प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करके उस नेटवर्क तक पहुंचाना ये गेटवे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर हम इसकी मिसाल की बात करें, कंप्यूटर्स ऑन अ लोकल एरिया नेटवर्क रिक्वायर अ गेटवे टू एक्सेस द इंटरनेट। अगर हम इंटरनेट को एक्सेस करना चाहते हैं एक लोकल एरिया नेटवर्क एनवायरमेंट के अंदर तो वहां हमें गेटवे की जरूरत पेश आएगी। बेसिकली इस डिवाइस ने दूसरे नेटवर्क्स के मुताबिक इसने हमारे नेटवर्क का प्रोटोकॉल डिजाइन करना है और फिर उसको सबमिट करवाना होता है, तभी कम्युनिकेशन हो सकती है, अदरवाइज कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। अब उसके बाद हम अगर इसकी डायग्राम की बात करें तो स्क्रीन के ऊपर आपको इसकी डायग्राम नजर आ रही है, वहां से आप देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत से कंप्यूटर्स हैं जो आपस में इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं। सो उस मकसद के लिए हमें जिस डिवाइस की जरूरत पेश आती है दैट वन इज द गेटवे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रिज की। ब्रिज क्या होता है और इसकी जरूरत हमें क्यों पेश आती है। बेसिकली दिस डिवाइस कैन बी यूज्ड इन कंप्यूटर नेटवर्क्स टू इंटरकनेक्ट टू लोकल एरिया नेटवर्क्स एंड टू सेपरेट नेटवर्क सेगमेंट्स। अगर हमने दो लोकल एरिया नेटवर्क्स को आपस में कोलैबोरेट करवाना हो या वहां पे जितना भी डाटा है उसको ट्रांसमिट करना हो या नेटवर्क्स के सेगमेंट्स बनाने हो, पोर्शंस करने हो, तो वहां पे लोकल एरिया नेटवर्क्स की जरूरत पेश आएगी। एक सेगमेंट को हम नेटवर्क का एक सेक्शन भी कहते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं ब्रिज कैसे काम करता है। सो बेसिकली व्हेन अ ब्रिज रिसीव्स अ सिग्नल इट डिटरमिन्स द सेगमेंट वेयर द सिग्नल शुड बी सेंट। जब एक ब्रिज सिग्नल को रिसीव करता है तो ये डिटरमिन करता है कि किस सेगमेंट से वो सिग्नल आया, देन इट रीड्स द एड्रेसेस ऑफ द सेंडिंग एंड रिसीविंग कंप्यूटर्स। जहां से मैसेज ने जाना है और जहां पे मैसेज ने पहुंचना है, ब्रिज उन दोनों एड्रेसेस को रीड करता है और रीड करने के बाद फिर उसके बाद इसने रिसीविंग साइड के और सेंडिंग साइड के एड्रेसेस को ब्रिज ने देखना होता है। और एक और अहम बात जो इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं, ब्रिज डज नॉट पास द सिग्नल टू अदर सेगमेंट इफ सेंडिंग एंड रिसीविंग कंप्यूटर्स आर बोथ इन द सेम सेगमेंट। अगर कंप्यूटर्स एक ही सेगमेंट के अंदर मौजूद हैं तो ना तो डेटा सेंड किया जा सकता है ना ही डेटा सेम सेगमेंट के अंदर रिसीव करने की ऑप्शन मौजूद होती है। इसका फायदा क्या होता है, बेसिकली
इट रिड्यूसेस नेटवर्क ट्रैफिक एंड इंक्रीजेस नेटवर्क परफॉर्मेंस। ये नेटवर्क की ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, मिनिमाइज करता है और नेटवर्क की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है। आपको स्क्रीन के ऊपर इसकी भी डायग्राम नजर आ रही होगी, जहां पे आप देख सकते हैं मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं जिनको हमने सेपरेट किया हुआ है, जिनको हमने अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर कन्वर्ट किया हुआ है। सो उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए हम ब्रिज को इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर इसमें कोई भी चीज जिसकी आपको समझ नहीं आई और आप इस हवाले से पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे साथ बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ईमेल भी सेंड कर सकते हैं। बहुत अच्छा फीडबैक आप लोगों की तरफ से देखने को मिल रहा है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की कोऑर्डिनेशन वो इसी तरह चलती रहेगी और हम इस क्लास को फर्दर कंटिन्यू रखेंगे। अगर आज से पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस करिएगा और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।